नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप Resident Evil 4 रीमेक में मोड्स इंस्टॉल कर सकते हैं, और वो भी एकदम आसान तरीके से। इसके कुछ सैंपल मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने पहले से कुछ इसमें मोड्स इंस्टॉल कर रखे हैं, जैसे कि होमलैंडर का, और आप देख सकते हो मर्चेंट को मैंने डेडपूल बना दिया है। इसके अलावा आप गन का साउंड सुन सकते हैं, वो भी नॉटी वाला। तो कैसे लगे आपको ये वाले मोड्स? आप भी इनको इंस्टॉल कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। चाहे आप बिगनर हो या प्रो, ये स्टेप टू स्टेप गाइड आपको एकदम प्रो बना देगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इन मोड्स को इंस्टॉल कैसे करना है। सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर में या गूगल पे आपको टाइप करना है nexusmods.com। तो सिंपली आपको ये वाली साइट सर्च करनी है, और जैसे ये साइट आ जाए आपको इस साइट पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद आपको इस पर लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार ये पेज आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पहले से लॉगिन आप देख सकते हो। तो इसमें आपको एक सेटिंग जरूर कर लेनी है, वरना आप अगर फैमिली के साथ हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। सिंपली आपको कॉर्नर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको जाना है साइट्स प्रेफरेंस। तो नीचे सबसे आपको मिल जाएगा, तो साइन आउट के ऊपर आपको मिल जाएगा ये वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो कि है कंटेंट ब्लॉकिंग, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको हाइड कर देना है या फिर शो ऑल कंटेंट इन ब्लर, ये वाला ऑप्शन आपको चूज कर लेना है अगर आप फैमिली में हो, अगर पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। क्योंकि आपको एडल्ट वाले कंटेंट भी इसमें देखने को मिलेंगे, जो एडल्ट मोड होते हैं, नोट्स मोड्स होते हैं, वो सारे मोड्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप अकेले में हो तभी इसको इस्तेमाल करना इस वाली सेटिंग को। बाकी आप इसको हाइड कर सकते हो या फिर ब्लर वाले कर सकते हो ताकि किसी को दिखाई ना दे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये सेटिंग मैंने आपको बता दी है, बाद में आप मुझे ये मत बोलना कि मैंने आपको बताया नहीं। इसके बाद आपको सिंपली ऊपर सर्च करना है Resident Evil 4 रीमेक, और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली 2023 वाले वर्जन पर क्लिक करना है, और इसमें आपको ओल्ड वर्जन के भी मोड्स मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर 2023 वाले वर्जन पर क्लिक करना है अगर आपको रीमेक के मोड्स चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर सारे मोड्स देखने को मिल जाएंगे, और जो भी यहाँ पर ये ब्लर स्क्रीन आ रही है ये सारे एडल्ट वाले मोड्स है, तो इनको अगर आप फैमिली के साथ है तो ना ही खोले तो अच्छा होगा। बाकी मैंने इनको ब्लर वाले सीन पे कर रखा है इसलिए आपको दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे स्ट्राइक वगैरह या कुछ आ सकता है, इसलिए मैंने इसको ब्लर पे रखा है आपको बस समझाने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एसली, लियोन, एडा सबके मोड्स मिल जाएंगे, सबकी स्किन मिल जाएगी। आप चाहो तो सबको रिप्लेस करके कोई नए कैरेक्टर दे सकते हो, और आपको यहाँ पर गन्स की स्किन मिल जाएगी, गन्स के साउंड अलग मिल जाएंगे, और भी बहुत कुछ आप यहाँ पर कर सकते हो। तो आपको सिंपली मैं कुछ एक दो मोड्स डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप खुद ही ट्राई कर सकते हो। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इनको इंस्टॉल भी कैसे करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक मोड को उठा लेते हैं। तो मेरे को ये ऐसे वाला मोड पसंद आ रहा है, तो मैं इसको पहले डाउनलोड करना आपको बता देता हूँ कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये फोटो वगैरह भी आ जाएगी। आप चाहो तो चेकआउट इनको कर सकते हो कि कैसे लगेगा, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा, तो आप पूरा इसको पढ़ सकते हैं कि किस कैरेक्टर पे सूट करेगा। क्योंकि ऐसे कि वहाँ पे दो तीन वो होते हैं ना, जैसे कैरेक्टर होते हैं, और लियोन के भी दो तीन कैरेक्टर होते हैं, तो वो किस वाली स्किन पे ये सूट करेगा, तो ये सब यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको स्लो डाउनलोड सेलेक्ट करना है। और जैसे आप उसको सेलेक्ट करोगे यहाँ पर 5 सेकंड का काउंटडाउन होगा, और इसके बाद आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो आप देख सकते हो मेरी ये फाइल डाउनलोड होने लग गई है। तो दोस्तों आपको इतना तो समझ आ गया कि आपको मोड्स कैसे डाउनलोड करने हैं, और आपको ये मोड्स कहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद अब आपको इनको इंस्टॉल कैसे करना है, चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पर सर्च करना है फ्लफी मोड मैनेजर, आपको ये यहाँ पर सर्च करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। और जैसे आप इसको डाउनलोड कर लोगे आपका आधे से ज़्यादा काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। डाउनलोड करने का तरीका एकदम सेम है, जैसे हमने मोड डाउनलोड करे थे वैसे इसको डाउनलोड करना है। मैनुअल पर क्लिक करना है, यहाँ जैसे आप मैनुअल डाउनलोड पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर पेज खुल जाएगा, यहाँ पर स्लो डाउनलोड पर क्लिक करना है, 5 सेकंड का काउंटडाउन चलेगा, और सिंपली आपकी फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों इतना करने के बाद अब सिंपली आपको सब फाइलों को एक्सट्रैक्ट करना है अपने डेस्कटॉप पे। तो सिंपली अब मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो ये जितनी भी मैंने फाइलें डाउनलोड करी थी, मैंने वैसे 2 मोड्स डाउनलोड करे हैं और एक फ्लफी मोड मैनेजर डाउनलोड करके आपको बताया है। तो 2 मोड्स मैंने अपने हिसाब से डाउनलोड कर लिए, एक तो आपको मैंने बता दिया, एक मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सारी फाइलों को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि अपने डेस्कटॉप पर ले आते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लफी मैनेजर को लेके आते हैं, तो इसकी सारी फाइलें मैं अपने डेस्कटॉप पर ले आऊँगा।
तो सिंपली हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये सारी फाइलें हमारी डेस्कटॉप पे आ चुकी है जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से आप भी इनको ला सकते हो। तो चलिए अब एक एक करके अपने मोड्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। सिंपली आपको सेम तरीके से ये सारे मोड्स अपने बाहर निकाल लेने हैं जैसे कि मैंने निकाले हैं। इसके बाद आप चाहो तो इनको डिलीट कर सकते हो, जो आपकी ये आर ए आर फाइल जो बची हुई है इनको आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो। बाकी हमारा काम तो हो गया, हमारे हमें जो फाइलें चाहिए थी वो हमारे डेस्कटॉप पर आ चुकी है। इसके अलावा मैं आपको जो मोड मैंने डाउनलोड किया था वो ये था कि आप किसी को किक करोगे तो एक रेड इफेक्ट सा आएगा हल्का सा, ये मोड भी मैं आपको इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा। इसके बाद सिंपली जो हमने फ्लपी मोड को मैनेजर को डाउनलोड किया था, सिंपली उसको उसमें जाना है, उसके आइकन पे क्लिक करके उसको लॉन्च कर लेना है और यहाँ से आपको रेसिडेंट इवल 4 रीमेक के आइकन को सिलेक्ट कर लेना है जैसे कि देख सकते हो ये लिखा। इसके अलावा आपको यहाँ पर काफ़ी सारे गेम्स के आइकन मिल जाएंगे जिनके मोड्स आपको उसी nexusmode.com पे आपको मिल जाएंगे। अब सिंपली यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके गेम के आइकन को यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद गेम डायरेक्टरी पे जाना है, यहाँ से आपको अपने गेम के फोल्डर को सिलेक्ट करना है जहाँ भी आपकी गेम इंस्टॉल है। जैसे कि मेरी यहाँ पर डी ड्राइव में इंस्टॉल थी तो मैंने यहाँ पर गया और इसको सिलेक्ट करके इसके फोल्डर को ओके कर दिया। आपको इतना ही करना है। इतना करने के बाद अगर आपके डाउनलोड आइकन पे ऐसा रेड आइकन आ रहा हो जैसे रेड बिंदु से आ रही हो तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और इसको अपडेट कर लेना है क्योंकि इसका अपडेट आ चुका है। तो मेरे इसमें तो अपडेट आ चुका था, अगर आपको भी ऐसे शो हो तो आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको देख सकते हो कुछ इस प्रकार इसका अपडेट का प्रोसेस है और ऐसे इसका अपडेट कम्प्लीट होता है। जैसे ही अपडेट कर लोगे आपको सिंपली इसको रीलॉन्च करना है और जैसे ही आप इसको रीलॉन्च करोगे आपका सारा काम हो यहाँ पर हो चुका है। अब आपको यहाँ पर सारे मोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एडा हो, एसली हो, लियोन हो, लुइस हो, वेपन्स से लेके आपके इसके म्यूजिक टेस्ट एनिमेशन सब आपको यहाँ पर देखने को लिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिस्ट में सबको 00 लिखा है तो इसको हम भरने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, भरने के लिए आपको करने पड़ेंगे डाउनलोड मोड्स। यहाँ पर हमने पहले से कुछ मोड्स डाउनलोड कर रखे हैं तो सिंपली हम इनकी फाइलों को यहाँ से कट कर लेंगे और जैसे यहाँ से आप इनको कट करेंगे आपको जाना है फ्लपी मोड मैनेजर की फोल्डर में। सिंपली इस फोल्डर में जाना है, यहाँ पर आपको गेम्स का फोल्डर मिल जाएगा, इस वाले गेम्स वाले फोल्डर पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर रेसिडेंट इविल नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा, उसके बाद आपको मोड नाम से फोल्डर मिल जाएगा, मोड वाले फोल्डर में आपको यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है सारी फाइलों को। ये मैंने सारी फाइलें मोड वाले फोल्डर में पेस्ट कर दी है। अब सिंपली आपको फ्लपी मोड मैनेजर पर वापस जाना है और यहाँ पर इसको रीलॉन्च करना है और जैसे ही आप इसको रीलॉन्च करोगे यहाँ पर आपको जो पहले 00 दिख रहे थे यहाँ पर आपको कुछ मोड्स देखने को मिल जाएंगे जो कि हमने अभी सिर्फ 2 मोड्स डाले हैं। जैसे मैंने फाइलें डाली आपको सारी सेक्शन में अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो किसी में आपको नाइफ का मोड मिल जाएगा, तो किसी में आपको गन का मोड मिल जाएगा, तो किसी में आपको करेक्टर का मोड मिल जाएगा। तो जो मैंने फाइल डाउनलोड करी थी उसमें लियोन से लेके एडा एंड एसली सबके करेक्टर के लिए था, इसलिए सब में आपको एक एक यहाँ पर शो हो रहा है क्योंकि सबके मोड्स इसमें आ चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एसली वाला मोड एक्टिवेट करके दिखाऊंगा और आप सिंपली बगल में देख सकते हो ये मोड किस पे काम करेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है फोटो के ऊपर आप देख सकते हो, ये डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर पढ़ सकते हो ये कौन सी वाली स्किन पे यहाँ पर काम करेगा। तो ये आपको सारी दिक्कत ना आए इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है और ये कौन सी स्किन पर सूट करता है ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। तो सिंपली मैं यहाँ पर अब एसली वाला मोड एक्टिवेट यहाँ पर कर लेता हूँ। इसके अलावा मैंने जो एक दूसरा सेकंड वाला डाउनलोड किया था उसको भी मैं यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो ये रेड इफेक्ट आएगा, इसको भी यहाँ से मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ और जिस तरीके से आप यहाँ इसको एक्टिवेट हम कर रहे हैं जैसे कि इस तरीके से आप इस पर क्लिक करके इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। अब ये डीएक्टिवेट हो गया, अब इसको फिर से हमने एक्टिवेट कर दिया। तो इस तरीके से आप डीएक्टिवेट और एक्टिवेट कर सकते हो। बस इतना ही हमें यहाँ पर करना था, बाकी मैं आपको गेम चला के दिखा देता हूँ कि हमारा ये मोड है जो हमने इंस्टॉल करे थे 2 कि ये अप्लाई हुए कि नहीं हुए। तो जैसे कि अब आप देख सकते हो जो हमने एसली को स्किन फिट करी थी वो एकदम सेट हो चुकी है और ये मोड बिल्कुल काम कर रहा है। तो आप देख सकते हो एसली बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो कैसा लगा आपको ये वाला मोड कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। बाकी अब मैं आपको दूसरा मोड भी दिखा देता हूँ जो हमने इसमें अप्लाई किया था। सेकेंड मोड में अगर हम किसी को किक करते हैं तो सीधे एक रेड इफेक्ट सा आता है, जैसे अभी देखा आपने ये वाला रेड इफेक्ट आता है। तो ये वाला मोड हमने इसमें इंस्टॉल किया था इसके साथ। तो दोस्तों इस तरह से आप रेसिडेंट इविल 4 रीमेक में मोड्स को इजीली इंस्टॉल कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको फ्यूचर में और भी ऐसी गेमिंग ट्यूटोरियल्स मिलते रहे। कोई क्वेश्चन या रिक्वेस्ट है तो नीचे कमेंट करो, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और रिप्लाई भी करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गेमिंग, बाय बाय।